हेलो जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मेरे को तो बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज मुझे लग रहा है कि खुदा काफ़ी थकी हुई थी तो अच्छा सो लेगी। शायद मेरी गलत फहमी हो, लेकिन अभी मुझे यही फीलिंग आ रही है। तो मैंने जो जा रही हूँ सहरी के लिए, अदर और नायका की कॉल आ रही है कि आज हम लोग दिफ्टियों के ऊपर जाना है, वो बस झटपट से जाके अपनी सहरी करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, उसके बाद वो रेस्ट करते हैं। इन लोगों ने तो सहरी स्टार्ट कर दी हुई है। आज है हमारे खाने में अरवी चिकन, और ये चिकन थोड़ा सा ना हमने ओवर कुक कर लिया है। ये रहा मेरा पराठा, यम्मी यम्मी पराठा। मैंने 5 मिनट के अंदर अपना पराठा मज़ेदार किस्म की अरवी और चिकन के साथ खा लिया। ये क्या चम्मच है? ये मलाइका ने खुद किया है। सीधा कितने मुझे ऐसे अच्छा लगता है। वो उसको ना जहमत ही नहीं है कि कुछ उठा, वो चम्मच ही उठा गिला रहा आपका। आज मम्मा लेट है, मम्मा कह रही है मैं फटाफट से खा लूँ। मलाइका खा के फारिग हो गई। मलाइका का वेट है कब बर्तन छोड़े, कब मैं धोऊं और कब मैं ऊपर भागूं। मलाइका ऐसा ही है। अच्छा मेरा है ना, मेरा अमिताभ बच्चन वाले मलाइका से ही बोलते हैं। मलाइका बोलो पूरा सेंटेंस। मैं दही को बोल लाइक करती हूँ। चिड़िया ने खाना हमारी अम्मा को ना चिड़ियों की बहुत फिक्र है। जब रोटी बनने लगती है, हाँ चिड़िया ने खानी। जब रोटी बनने लगती है कहती चिड़िया दी पहले बनानी है, पहले उनकी फिर बच जाए तो चिड़िया नु पानी पहनी है। बहुत टेंशन है मेरे चिड़ियों की, सहरी होगी। एक तो ये चुप नहीं करती, मैं जब शॉर्ट रहने लगती है बोलने लग जाती है। मैं कहने लगी थी सहरी हो गई डन। हे रातानू दस मैनू नींद क्यों ना आवे, तू ठीक है कि नहीं। सफाई वाला सामान लेके मैं बाहर आ गई हूँ। आज का प्लान ये है मेरा कि यहाँ से ना ये जो विंडो है ना इसका शीशा साफ करना है। जितनी भी विंडोज हैं, एक उस तरफ है वहाँ पे भी करेंगे। मैं पानी डालती हूँ, मैं थोड़ा सा सर्फ लेके आई हूँ, उसमें कपड़ा रख के अच्छे से झाग बना लेते हैं, फिर विंडो साफ करते हैं अपनी। खोल लेते हैं शीशे पे ना, वो है मिट्टी वगैरह बारिश से। मोप से ना मैंने अच्छा सर्फ वाला जो पानी है ना उसे साफ कर लिया दाग वगैरह, होपफुली हो गए होंगे। अब फिर से यहाँ पे पानी खोलते हैं, आसानी से पानी मार देंगे। ऐसे धुलती हैं यहाँ पे विंडोज़। थोड़ा सा ना अब हाथ से भी मनेगा, जहाँ पे मुझे दाग नज़र आ रहे हैं ना हाथ से थोड़ा मल देते हैं, और कुछ दाग ना अंदर की तरफ भी हैं। खुदा हाथ लगाती है, खुदा भी है, हम बड़े भी सब, तो अंदर से भी साफ़ होगा, लेकिन अंदर से सिर्फ कपड़े के साथ कर लेंगे। हाथ मेरे ना फ्रीज होने लगे, इतना ठंडा पानी है, ऊपर से मौसम भी ठंडा है। आगे तक ना पाइप नहीं आ सकता पानी वाला। अब करने लगी हूँ खुदा इस तरफ आगे खड़ी हो गई है, बस पहले पानी मार के अच्छी तरह। अच्छा जी, सूखा कपड़ा दूसरी विंडो पर भी लगा रही हूँ मैं, ये इसे लगाना पड़ता है ताकि जो पानी, वो पानी जब सूखता है ना अपने दाग भी बना देता है, फिर से होगा कि पानी फैल जाएगा और सूख जाएगा। इसको बाहर आने का शौक है ना, वो ये सब देख ले। यहाँ पे कोई काम करने वाला कोई भी नहीं है, A to Z आपने खुद काम करना है। इस मेहनत चल रही है, बहुत मेहनत चल रही है। मेरे हाथ जो है ना आप पिछलांगे मार मार के साफ कर रही है। ऊपर हाइट छोटी है यहाँ से, तो ये ज़्यादा उनसे हेलो जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। विंडो वगैरह धोने के बाद ना मैंने हालत अपने सुधार लिया, तब बहुत बुरा हाल हो गया था, हाथ मेरे फुल रेड हो गए थे। बाहर ना ठंड है और पानी भी जो बाहर लगा हुआ है वो ठंडा ही है, उधर गर्म वाला सिस्टम नहीं है। आज रेसिपी तो बन नहीं सकती है, टाइम बहुत कम लगा, 1 घंटा रह गया। तो अभी मैंने कुछ डिसाइड भी नहीं किया था, कोई चीज़ें कोई प्रिपरेशन नहीं है। तो अभी मैं जा रही हूँ मुझे लेने ड्रिंक्स। आज मैं सोच रही हूँ कि आप लोगों के साथ ड्रिंक शेयर करूँ, तो उसके लिए मैं पैदल ही जा रही हूँ। आज मैंने ना अपना रोज़ा फुल, उसको ना पीछे ना खिड़कियाँ बंद होने लगी, शाम होने लगी है यहाँ पे। चलो जी, हर कोई अपनी खिड़कियाँ बंद कर रहे हैं, आवाज़ इनको खिड़कियाँ बंद करने देते हैं। ओके
यहाँ पे ये सीन होता है कि शाम जैसे ही होने लगती है ऐसे जैसे चार से पाँच बजे ये लोग कोड़ना बंद कर लेते हैं, शटर कहते हैं उसको, और वो थोड़ा अब सुबह होगी तो रोशनी आती है अंदर तो सुबह ये दोबारा खोल लेंगे, तो अभी इन्होंने इसको बंद करके। तो आज मैं बता रही थी कि मैंने अपने रोज़े को ना फुल वो चैलेंजिंग टाइप गुजारने की कोशिश की है कि काम सफाइयाँ और आज मैंने सुबह इसलिए स्टार्ट कर दिया था कि रात को ना विंडो साफ नहीं हो पाती, अंधेरे में कुछ नज़र ही नहीं आता, समझ में नहीं आता दाग कहाँ पे, तो इस वजह से उसको सुबह ही करना था। और अभी मैं पैदल भी इसे निकल गई कि जो स्टोर है ये वाला, जितना इसमें मैंने गाड़ी से घूम के आना था, ये जो शॉर्टकट है ना यहाँ से गाड़ी नहीं जा सकती, तो जितना मैंने घूम के आना था उतनी देर मैं पैदल पहुँच जाती हूँ, तो इस वजह से मैंने कहा चलो पैदल। और 5 बज गए, म्यूज़िक स्टार्ट हो गया, तो खाने पीने वाला सामान, आज खाने के लिए जो रेसिपी होती है ना समझ में नहीं आता क्या मैं रखूँ, इतनी जल्दी जल्दी मैं सोचूँ, भाग दौड़ लग जानी थी, तो इस वजह से मैंने कहा आज आप लोगों के साथ ड्रिंक शेयर करती हूँ, और ड्रिंक भी ना ठंडी सारी होनी चाहिए, मेरा दिल कर रहा मेरे दिल कीता मैं गुनाह जरा हाल ते सुना मेरे। घर जाके थोड़ी देर और इनको रख दूंगी फ्रिज में, ठंडी हो जाएंगी अच्छे से, तो फिर ड्रिंक बनाते हैं अपनी। ड्रिंक बना रहे हैं और ड्रिंक कौन सा है जी, मिंट मार्गरिटा। इसके लिए हमें चाहिए लेमन, और यहाँ पे मैंने लिया है 2 चुटकी जिंजर पाउडर, 2 चुटकी ये है काली मिर्च, और 2 खाने के चम्मच इसमें जा रही है जी चीनी, 1 खाने का चम्मच इसमें जा रहा है पिंक सॉल्ट, और ऐसे 1 मुट्ठी आप डालने इसमें पुदीना, और ये थोड़ा सा मैंने रखा है लेमन का छिलका, और यहाँ पे तकरीबन 2 टेबलस्पून है लेमन जूस। ये रहे सारे इंग्रेडिएंट जो भी ड्रिंक में यूज होंगे, इनको ब्लेंड करते हैं। सोचा क्यों मैं था कोई गलत, जरूर जरा पूछ के तू दस। इसमें ऐड करेंगे हम थोड़ी सी अभी स्प्राइट, तकरीबन मैं 1/2 कप डाल रही हूँ अभी इसमें स्प्राइट, ये अच्छे से ब्लेंड हो जाए, बस इसको ब्लेंड करते हैं। अच्छा जी, अभी जो है हमारा पुदीना ना, जब आप ब्लेंड करेंगे ना तो इसका कलर टेक्सचर ये होना चाहिए, देखें कितने फाइन से पत्ते उसके क्रश हो गए। तो जी बर्फ़ डालते हैं अभी इसमें, और यहाँ पे ना मैं ब्लेंड कर रही हूँ मिंट और बर्फ़ को अच्छे से, ना थोड़ा स्लश टाइप चाहिए मुझे। मैंने पहले ऐसे लेमन रख लिया, आप चाहें तो इसको थोड़ा सा क्रश भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसमें ऐसे ही डाल रही हूँ अब जो मैंने ब्लेंड किया अपना मार्गरिटा, मिंट और मसाले वगैरह। अच्छा मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ ये लेमन सोडा, और इसके अलावा इसमें जा रही है जी जो हमने स्प्राइट थोड़ी सी डाली थी, अब इसमें मैं वो पूरी डाल रही हूँ। अच्छा जी, आज हमारा अफ्तार टेबल है कुछ ये, हम लोगों ने जो क्रेप्स बनाए थे चिकन क्रेप्स वो, इसके अलावा वेजिटेबल के ढेर सारे पकौड़े बनाए हमने आज, और फ्रूट चाट है, इसके अलावा दही बूंदी है। आज आप लोगों के साथ शेयर की है मैंने स्पेशल ड्रिंक मिंट मार्गरिटा, और मैंने इसको, हमारा स्ट्रो थोड़ा सा छोटा है जी, और इसके अंदर मैंने तुख मलंगा डाला थोड़ा सा, बेजल सीड्स, और इसके अंदर सिर्फ लेमन है खाली, और इसमें मैंने लेमन सोडा और स्प्राइट दोनों यूज़ किए हैं। कुछ ठंडा सा पीने का दिल कर रहा था, तो ये है मज़ेदार किस्म का हमारा मिंट मार्गरिटा। अच्छा जी ख्वातीनों हजरात, टाइम हुआ जाता है चाय का, तब हम पीने लगे हैं चाय। ये रही हमारी गर्मा गर्म चाय, ब्लू मैट में चाय पेश करो मलाइका, कप लेंगे एक कप लेंगे उसमें चाय डालेंगे, उसमें चाय डालेंगे, चाय उंडे देंगे, बनानी आती होगी, बनानी आ गई होगी, जितनी दफा मैंने ब्लॉग में दिखाया है कि पहले पानी रखें, पत्ती डालें, फिर दूध डालें, चीनी डालें, हर ब्लॉग में मेरे ना चाय होती थी, तो मेरा भाई कहता बस कर दो, इतनी तुम चाय दे आती हो, बस कर दो अब, अभी मैंने बस कर दिया, अभी थोड़े दिन पहले फिर मैंने दिखाई थी। हम लोग चाय के साथ एंजॉय कर रहे हैं, पर वर्षा आंटी की बातें बहुत मज़े की लगती हैं, मुझे लगता है कि अगर मेरी मामा ब्लॉग करती ना तो कुछ इस तरह की होती, तो हम लोग इनको बहुत शौक से देखते हैं अक्सर चाय के साथ,
वीडियो देखते हैं इनके। जी आटा गिरा हुआ है नीचे, और गिरा नहीं है ये, गिराया गया है। अच्छा जो तो बच्चे जिनके घर में बच्चे टॉडलर्स हैं या इतने हो चुके हैं कि वो कोई भी ड्रॉर खोल लेते हैं, कोई भी बंद चीज को उनको ओपन करना आ जाता है, वो ना वेट करते हैं कि जब तक आप उनको देखो नहीं तब तक वो काम खराब नहीं करेंगे। तब से ना आटे में हाल रख के ना खड़ी भी थी, और मैं इग्नोर करी थी कि मैंने इसको नहीं देखना, आई कॉन्टेक्ट नहीं करना मैंने, और मैं कोशिश करी थी कि मुझे ऐसा ना चांस मिले कि मैं इसका हाथ पकड़ लूँ और आटा ना बिखरे। लेकिन खैर मैं ना काम होगी थोड़ी बहुत, थोड़ा सा आटा फिर भी नीचे गिर गया, और जैसे ही मैंने उसको देखा कि उसको लगा कि मेरे पास आ रही है मम्मा, तो ऐसे करके आटा उछाला है और सारे मेरे जूतों पे, कपड़ों पे और नीचे फ्लोर पे भी गिर गया। हम इसको साफ करेंगे, दोबारा से हमारी सफाई वाला सीन ऑन हो गया। खुदा के बाद से ना हम लोग तकरीबन 4 से 5 दफा ना डेली हमारा ये जो लाउंज की सफाई होती है ना, या तो हाथ से उठा लेते हैं या वैक्यूम लग जाता है, तो अब हम वो करते हैं। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।